हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक अगेन। मैं वेलकम करता हूं आप सबका दिल से बिल्कुल अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिना मत जाना, क्योंकि एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो मार्केट आवर्स में भी आपको अपडेट देता है। वो मार्केट से रिलेटेड हो सकता है, वो किसी स्टॉक से रिलेटेड हो सकता है, वो निफ्टी की स्ट्रेटजी हो सकती है, वो बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी हो सकती है, या फिन निफ्टी की स्ट्रेटजी हो सकती है, या कल हमने आपको कुछ रिकमेंड किया है, कुछ बताया है मार्केट पे व्यू, चाहे वो बाय का है या सेल का है, तो उसका अपडेट क्या है, मैं उसकी कमिटमेंट करके चलता हूं। मैं मार्केट में आपको अपडेट करता हूं। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आपको कि आप प्लीज अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए इस यूट्यूब चैनल को। अगर वो ट्रेडर है तो उनको मिस मत होने दीजिए ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पर ट्रेड सक्सेसफुल होने के चांसेस 90% है। गाइज, ये यूट्यूब चैनल बहुत यूनिक है, यहाँ पे यूनिक स्ट्रेटजी शेयर की जाती है। ये आज अगर आप पहले दिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो नेक्स्ट 10 डेज में आपको ये रियलाइज होने वाला है कि जो कमिटमेंट थी, जो बोला गया था स्टार्टिंग में, वाकई में ये चैनल डिफरेंट है, ये यूनिक एक्सपीरियंस रखता है, ये डिफरेंट स्ट्रेटजी रखता है। जहां पे वन साइड होगा बाइंग का, तो मैं ही स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा आपको बाय करने के लिए। जहां पे लगेगा हेजिंग के साथ जाना है, तो विदाउट हेजिंग मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो गाइज, ये एक ऐसा चैनल है जो आने वाले टाइम में आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने का काम कर सकता है, आपको निगेटिविटी से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने का काम कर सकता है। जुड़िए मेरे चैनल के साथ, मेरे चैनल का नाम है मनी इज एवरीथिंग। सबसे पहले डिस्क्लेमर, अभी तक हम लोग सेबी रजिस्टर एडवाइजर नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी हो जाएंगे। आज का टॉपिक बहुत दिलचस्प होने वाला है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपके पास टाइम नहीं है देखने का, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को अभी मत देखिए। आपके पास जब टाइम हो, अकेले में देख सके और अंडरस्टैंड कर सके कि मैं क्या बता रहा हूं, तब वीडियो को टाइम दीजिए, तब इस चैनल वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि ये आज की वीडियो है पीसीआर से रिलेटेड। बैंक निफ्टी का पीसीआर किस कंडीशन में जाके ओवरसोल्ड होता है, पुट कॉल रेशियो किस कंडीशन में जाके ओवरसोल्ड होता है, कहां से बाउंस आने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपने आज जिस वीडियो को देखकर इंप्लीमेंट करना शुरू किया, तो बिलीव मी गाइज, अगर आप पहले लॉस करते थे मैक्सिमम टाइम इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आपने पीसीआर को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, ओवरसोल्ड कंडीशन में जाकर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाले हो। ये मेरी कमिटमेंट है। अगर आपने आज से वेट करना और इस वीडियो के बाद पीसीआर पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया ओवरसोल्ड कंडीशन में, तो बिलीव मी गाइज, आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। मैं निफ्टी का ओवरबोर्ड पीसीआर, ओवरसोल्ड पीसीआर, उसके लिए वीडियो लास्ट वीक बना चुका हूं। अगर आपके पास टाइम है, जाके उसको भी देखिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। और बैंक निफ्टी के ओवरबोर्ड की पीसीआर में कल अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, जाके देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, बार बार देखिए और उसको वेट कीजिए इंप्लीमेंट करने का। जब सारे पैरामीटर मिले आपके, तो मौके पे चौका मारना होगा, फिर वहां पर आपको चूक नहीं करनी है। अगर आप चूक जाते हैं तो फिर स्ट्रेटजी की या मार्केट की कोई गलती नहीं है, फिर आपकी गलती होगी। ऐसे मौके बार बार मिलेंगे, महीने में 3 से 4 बार मिलेंगे। तो शुरू करता हूं मैं वीडियो, बैंक निफ्टी का ओवरसोल्ड पीसीआर किस लेवल पे जाके होता है और किस कंडीशन में जाके होता है। ये है पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी का। पहले समझिए ओवरसोल्ड होने की कंडीशन क्या होती है बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.6 आ चुका है, तो ये ओवरसोल्ड होने की पहली कंडीशन में एंटर कर चुका है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.6 आ चुका है, तो पहली कंडीशन फुलफिल कर चुका है ओवरसोल्ड होने की। अब ये 0.6 से घट करके 0.47 आ जाता है, और यहां पर आरएसआई बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स के ड्यूरेशन में ये 13 आ जाता है, 13 के बीच में आता है। और पीसीआर बैंक निफ्टी का 0.47 था, तो ये ओवरसोल्ड हो चुका है यहां पर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी रेडी है एक बाउंस के लिए, 400 से 500 पॉइंट का बाउंस आपको मिले ही मिलेगा। बाउंस आपको, इस बात को भूल जाइए कि नहीं मिलेगा। निगेटिव न्यूज चाहे जितनी भी हो, एक कंडीशन में यहां पर ट्विस्ट है, कब नहीं मिलता है ध्यान से समझिए। अगर ये कंडीशन बन चुकी है और एक्सपायरी का दिन है बैंक निफ्टी का, तो यहां पर आपको बाउंस मिलने के चांसेस बहुत कम है।
यहां पर बाउंस मिलने के चांसेस बहुत कम है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.47 चल रहा है, आरएसआई 13 के और 18 के बीच में चल रहा है, ओवरसोल्ड है, 100% ओवरसोल्ड है, लेकिन दिन एक्सपायरी का है, एक्सपायरी के दिन आपको बाउंस नहीं मिलेगा, बहुत कम चांसेस है कि एक्सपायरी के दिन बाउंस मिले। उसका रीजन सबसे बड़ा यह होता है पोजिशन साइजिंग, दूसरा ऑपरेटर की सोच और एक कॉमन ट्रेडर की सोच। कॉमन ट्रेडर क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है, ये बाउंस देगा ही देगा, ये कंडीशन अगर एक्सपायरी के दिन 10 बजे बन चुकी है तो हर कोई क्या करता है, बाउंस आएगा कॉल बाय करता है, लेकिन वो भूल जाता है ये दिन एक्सपायरी का है। एक्सपायरी के दिन ये स्ट्रेटजी बहुत कम काम करती है। मैं क्या करता हूं, मैं अपनी स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस करता हूं। एक्सपायरी का दिन है, ये कंडीशन मिल चुकी है, तो मैं वेट करता हूं 3 बजे तक आप वेट कीजिए, 2:45 और 3 by 2:45 3 o'clock के बीच तक का वेट कीजिए। अगर तब तक आपको बाउंस नहीं मिलता है, गाइस आज को मैं एक पैसा पॉइंट बता रहा हूं जो आपको पैसा बना के देने वाला है। 2:45 हो चुके हैं, 3 बज चुके हैं, लेकिन बाउंस नहीं आया। आप 100% नेक्स्ट एक्सपायरी की कॉल में एंटर कर जाइए, जितना आपके पास फंड है उसका 70% की कॉल बाय कीजिए आप अगली एक्सपायरी की, और उसको वेट कीजिए, या तो बाउंस आपको 3 बजे के बाद मिलेगा, या बाउंस नहीं मिलेगा तो अगले दिन आपको गैप अप ओपनिंग मिलेगी। चाहे निगेटिव सेंटिमेंट कितना भी निगेटिव हो, ग्लोबल मार्केट कितनी भी निगेटिव हो, उससे मतलब ही नहीं पड़ता है। एक्सपायरी के दिन बाउंस नहीं मिला, आपको एक्सपायरी के दिन बाउंस 100% मिलेगा, 99% मिलना है आपको बाउंस एक्सपायरी से अगले दिन। ये हो चुका है, एक्सपायरी के दिन ये काम नहीं करता है। हमें क्या करना है, अब हर एक्सपायरी को पीसीआर चेक करना है, बहुत आसान होता है। पीसीआर चेक करना नहीं कर पाते तो गूगल करके सर्च कर लीजिए, वो भी नहीं कर पाते तो जिस कंपनी का आप मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं तो 90% कंपनी की ऐप में लाइव पीसीआर शो करता है। वो पीसीआर आपको 0.5 का पीसीआर दिख रहा है बैंक निफ्टी का, और एक्सपायरी का दिन है, 3 बजे तक वेट कीजिए, कुछ मत करिए, वेट करिए सिर्फ। अगर 3 बजे तक बाउंस नहीं आता है तो किसी के इनविटेशन का वेट करने की जरूरत नहीं है, आप जाइए और कॉल बाय करके छोड़ दीजिए अगली एक्सपायरी की। और आपके पास अगर बहुत स्मार्ट मनी है, फंड का कोई इश्यू नहीं है, तो सबसे बढ़िया ट्रेड होता है इस कंडीशन में बैंक निफ्टी का, पुट शॉर्ट करिए अगली एक्सपायरी का और पैसा देखिए आपका कैसे बनेगा। ये हो चुकी है पहली कंडीशन। अब मैं क्या करता हूं, मेरी कंडीशन सुन लीजिए, एक्सपायरी के दिन ना होने पर, एक्सपायरी का दिन नहीं है और ये पीसीआर ओवरसोल्ड हो चुका है, और दिन है मंडे का, दिन मंडे का है, पीसीआर ओवरसोल्ड हो चुका है बैंक निफ्टी का। 30% केसेस में क्या होता है, इस पीसीआर ओवरसोल्ड होने पर बैंक निफ्टी अगले दिन गैप अप खुल जाता है, लेकिन वो गैप अप सस्टेन नहीं करता है। अब यहां पर आपको दिमाग लगाना होगा, जो मैं बताने वाला हूं इसको लिख के रखना पड़ेगा, और कैलकुलेशन कब मैच कर रही है, किस कंडीशन में जाके, वहां पे मौका चूकना नहीं है। बैंक निफ्टी का पीसीआर ओवरसोल्ड है, मार्केट ओवरसोल्ड है, लेकिन फ्राइडे मार्केट डे लो पर बंद हुआ, डे लो पर बंद हुआ, मंडे मार्केट गैप डाउन खुला। कुछ भी रीजन हो, वो स्टॉक का रिजल्ट हो सकता है, ग्लोबल सेंटीमेंट हो सकता है, कुछ भी, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट माइनस खुला और निफ्टी 100 पॉइंट माइनस खुला। गाइस ऐसी कंडीशन में आके मौका मत चूकना, 9:15 पर जितना गैप डाउन आपको दिखाई दे रहा है आपको आंख बंद करके कॉल में एंटर कर जाना है, और जितनी क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं उतनी क्वांटिटी खरीदिए। 99% केसेस में वो आपको प्रॉफिट देके जाएगी। होगा क्या, जो 300 पॉइंट बैंक निफ्टी माइनस है पूरा कवर कर जाएगा विद इन 30 मिनट या वन आवर्स या मैक्सिमम 2 आवर्स या पूरे दिन में रिकवर करेगा, वो 300 पॉइंट रिकवर करेगा और उसके बाद 300 पॉइंट प्लस में बंद होगा। मेरे हिसाब से 600 पॉइंट की मिनिमम टू मिनिमम रिकवरी आती है ओवरसोल्ड कंडीशन में। मैं जो इंप्लीमेंट करता हूं मैं आपसे वो बता रहा हूं। अगर एक्सपायरी नहीं है, एक्सपायरी नहीं, किसी दिन भी ओवरसोल्ड होता है तो मैं वेट करता हूं अगले दिन का। अगले दिन बैंक निफ्टी निफ्टी फ्लैट खुलने के बाद माइनस में जाए, पहले गिरावट आए उसमें 250 से 300 पॉइंट बैंक निफ्टी माइनस में जाए, वहां से बैंक निफ्टी पूरा रिकवर करेगा 300 पॉइंट और 300 पॉइंट प्लस में जाएगा। आपको 600 पॉइंट की रिकवरी मिलनी है एनी हाउ। अगर कोई बहुत बड़ी निगेटिव न्यूज नहीं है जो अनएक्सपेक्टेड थी मार्केट में, लेकिन उस कंडीशन में भी आपको बाउंस मिलना ही मिलना है। ये काम कब नहीं करता है, ये काम नहीं करता एक्सपायरी के दिन। ये आप आज नोट कर लीजिए गाइस, जो मैं बता रहा हूं
बनाओ प्लीज, इस पे फोकस करना, अपना 100% कॉन्फिडेंस रखना। जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये आपको कोई नहीं बताएगा मार्केट में, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं इसको बताने के लोग बहुत मोटे पैसे चार्ज करते हैं, तब भी शायद इतना डीपली आपको कोई ना बता पाए, क्योंकि ये चैनल यूनिक है, ये एक्सपीरियंस यूनिक है। आज रिलाइज नहीं हो रहा तो 15 डेज के बाद होगा, 3 महीने के बाद होगा, 6 महीने के बाद होगा, क्योंकि मैं कमिटमेंट कर चुका हूं इस यूट्यूब के व्यूवर्स को कि अगले 6 महीने में हमारी फैमिली बहुत मोटा पैसा कमाने वाली है, मिलकर कमाएंगे, मिलकर चलेंगे आगे। और ये बातें फिजूल नहीं है, जिन लोगों को निगेटिविटी रखती है प्लीज आज इस चैनल को ब्लॉक करें और मेरी फैमिली से दूर हो जाए, मुझे निगेटिव लोग अपने साथ नहीं रखने हैं। दूसरी बात, अगर मैं ये जो 0.4 का P47 का PCR या 0.6 का PCR ये एग्जांपल है गाइस, ये करंट का PCR नहीं है। लोगों को, ट्रेडर को यहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है, वो चेक कर रहे हैं जाके गूगल पे, वहां तो 0.68 का PCR दिखा रहा है, आप कह रहे हो 1.33 का PCR या 0.6 का PCR, ये सब एग्जांपल है। मैंने एग्जांपल सेट किए हैं, जो करंट का बैंक निफ्टी का PCR है वो 0.68 चल रहा है, कंफर्टेबल है। तो ये कंफ्यूजन मत रखना कि मैं आपको ये गलत नॉलेज दे रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल है। तो उम्मीद करता हूं ये ओवरसोल्ड की कंडीशन बैंक निफ्टी में क्या होती है आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी। अगर नहीं हुई तो बार बार इस वीडियो को देखिए, इसको टाइम दीजिए, क्योंकि अक्सर मैं मैक्सिमम फ्री में मिली हुई चीज इंसान को अच्छी नहीं लगती है, घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है, ये हकीकत है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होने वाला, अगर आज आप सीरियस नहीं होंगे तो बिलीव मी 2 महीने के बाद होंगे, 3 महीने के बाद होंगे। घूम फिर के आना इस चैनल पे, जो यहां मिलने वाला है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो गाइस ये था मेरा अपडेट PCR के लिए, जो कमिटमेंट किया था मैंने बैंक निफ्टी का PCR ओवरसोल्ड और ओवरबोट वाली कंडीशन, उसका वीडियो मैं कल शेयर कर चुका हूं, कल की वीडियो जाके देखिए, ओवरबोट की कंडीशन को समझिए और ओवरसोल्ड की कंडीशन को समझिए, बिल्कुल ध्यान से फोकस करके समझना। अगर टाइम ना हो, माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज वीडियो को मत देखना, क्योंकि ये बहुत यूनिक है गाइस। मैं अपने एक्सपीरियंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा निचोड़ करके लाया हूं अपनी स्टडी का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसी वीडियोस बहुत कुछ आने वाला है, अभी तो स्टार्टिंग है गाइस, पूरी पिक्चर बाकी है क्योंकि अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। तो मिलता हूं मैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।